गाइस वेलकम टू शाहिना किचन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग मैंगो केक रेसिपी। देख रहे हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। सो लेट्स फॉलो मी इन माय किचन एंड सी हम कैसे बनाते हैं मैंगो केक। सो गाइस, मैंगो केक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 12 इंच के केक टिन को बटर पेपर से ग्रीस करके रख लिया है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप ऑयलिंग करके मैदे का ग्रीस कर सकते हैं। सो इसको हम पहले साइड में रखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। सो गाइस, एक अच्छा स्पॉन्जी केक बनाने के लिए एग को बीट करना बहुत जरूरी होता है। आई नो बहुत सारे व्यूअर्स होते हैं जो एग को नहीं प्रेफर करते हैं, बट देन मैं इस बार ये केक को एग पे ही बनाऊंगी। आप एग को दही के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। सो मैं ले रही हूँ 6 अंडे। ये देखिए, मैंने 6 अंडों को फोड़कर रख लिया है। तो मैं बीटर की मदद से अंडे को फेटूंगी। इसके साथ मैं डाल रही हूँ 1.5 कप शुगर पाउडर। सो मैं ये थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी सो दैट अंडा अच्छे से फिट जाए। और जिसके पास बीटर नहीं है, मिक्सी के जार में फेट सकते हैं, हैंड ब्लेंडर से फेट सकते हैं। सो चॉइस इज योर्स। सो मैं शुरू करती हूँ। मैं शुगर को ऐड कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूंगी सो दैट अच्छे से मिक्स हो जाए। ये मैंने घर में ही शुगर को पाउडर कर लिया है, 1.5 कप के करीब है। आप चाहें तो बाजार से पाउडर शुगर भी ला सकते हैं, बट जरूरी नहीं है, आप शुगर को ही घर में मिक्सी के जार में पीस लीजिए। शुगर का मैं नेक्स्ट बैच ऐड कर रही हूँ। सो मैं बहुत बेसिक प्रोसेस के तरीके से बता रही हूँ। जिसके पास बहुत सारी चीजें, इंग्रेडिएंट्स नहीं है, मशीनरी नहीं है, तो आप इस तरीके से केक को बना सकते हैं। इसी स्टेज पे मैं 3/4 कप वेजिटेबल ऑयल डाल रही हूँ। तो आप ऑयल कोई भी यूज कर सकते हैं, कैनोला यूज कर सकते हैं, रिफाइंड कोई सा भी, उसमें कोई भी फ्लेवर नहीं होना चाहिए। तो ये मैं अभी ऐड कर दूंगी। इन अंडों को मैं तकरीबन 7 से 8 मिनट तक फेटूंगी, जब तक ये इसका कलर चेंज ना हो जाए। सो गाइस, ये देखिए अंडों का कलर चेंज हो गया है, बहुत अच्छे से अंडे बीट हो चुके हैं। अब इसको मैं रखती हूँ साइड पे और मैं दिखाती हूँ ड्राई इंग्रेडिएंट्स को क्या करना है। सो गाइस, ये देखिए मैंने 1.5 कप ऑल पर्पज फ्लोर लिया है मैदा। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। तो ये मेरा मेजरिंग टीस्पून है, मैंने लिया 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। और मैं 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा लूंगी। ये देखिए, और इन सबको मैं अच्छे से सीव कर लूंगी। तो मैदा बहुत अच्छे से सीव हो गया। अब इस मैदे को मैं वेट इंग्रेडिएंट के साथ थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करूंगी। तो
अब मैं स्पैचुला की मदद से इसको अच्छे से ऐड करूंगी। इस स्टेज पे मैंने 1 स्पून वनीला एसेंस डाला है और मैं फिर से इसको फोल्ड कर दूंगी अच्छे से। बाकी फ्लावर भी मैं डाल देती हूँ और इसको धीमे धीमे मैं फोल्ड करूंगी। सो गाइस, ये देखिए केक का बैटर बहुत अच्छे से फोल्ड हो चुका है। अब इसको हम केक टिन में ट्रांसफर करेंगे और हमारे प्री बेक्ड अवन में, या अगर आपके पास अवन नहीं है तो कढ़ाई में हम इसको बेक करेंगे। सो गाइस, देखिए मैंने केक टिन में बैटर को ट्रांसफर कर दिया। इसको टैप कर देंगे सो दैट एयर बबल्स बाहर निकल जाएंगे। और तो ये टैप होके तैयार है और बेक होने के लिए। आइए इसको हम बेक करने के लिए रखते हैं। गाइस ये देखिए, ये मैं केक कढ़ाई में बनाने वाली हूँ। तो कढ़ाई में मैंने प्री यूज सॉल्ट यूज किया, ये मैं कई बार यूज करती हूँ। और ये मैंने पहले ही, जब तक मैं फेंट रही थी बैटर को, तो मैंने हीट होने के लिए रख दिया था। अब ये काफी हीटेड है। अब इसमें मैं इसको बड़े सावधानी से इसके अंदर रख दूंगी। सो गाइस देखिए, ये मैंने रख दिया है। अब इसको मैं 40-45 मिनट्स के लिए ढककर छोड़ दूंगी। अब जो ये इसका लिड है, इसके ऊपर से ये जो दिख रहा है आपको, यहां से एयर निकलता रहेगा, भाफ निकलता रहेगा, वो केक को ड्रॉप नहीं होने देगा, तो फूलेगा अच्छे से। अब बस आप ढक के तसल्ली से इसे छोड़ दीजिए, बीच में मत छेड़िए। 40 मिनट्स के बाद आप एक स्टिक के थ्रू चेक करने के लिए देख सकते हैं। सो लेट्स लीव दिस फॉर बेकिंग। क्योंकि हम ये मैंगो केक बनाने वाले हैं, तो मैंने देखिए ये मैंगो की प्यूरी ली थी। मैंने 3 आम को पीस के रख लिया था। इसमें से हाफ पोर्शन ये क्रीम चीज है, तो क्रीम चीज में मैंने मैंगो को फेंट लिया। क्रीम चीज आप मार्केट में अगर नहीं मिलता है तो मैं आपको एक तरीका बता देती हूँ। घर में ही क्रीम चीज बना सकते हैं आप। 1/2 लीटर दूध लीजिए, उसको फाड़कर पनीर बनाइए और उसको दूध के सहारे, दूध मिक्स करके ग्राइंडर में उसको फेंट लीजिए, तो उससे आपका क्रीम चीज तैयार हो जाएगा। तो उसी तरीके से मैंने क्रीम चीज लिया है। ये 1 कप के करीब क्रीम चीज है और उसमें मैंने ये 1/2 पोर्शन मैंगो प्यूरी मिक्स कर दिया है। अब इसको और ज्यादा रिच बनाने के लिए मैं ये ले रही हूँ व्हाइट चॉकलेट, जिसको मैंने थोड़ा सा मेल्ट कर लिया है। व्हाइट चॉकलेट को मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। अब ये व्हाइट चॉकलेट को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दूंगी और जब मेरा केक तैयार हो जाएगा फिर हम केक की फ्रॉस्टिंग तैयार करेंगे। गाइस, 40 मिनट्स हो चुके थे तो मैंने केक बंद कर दिया था। अब आइए चेक कर लेते हैं। ये देखिए, टूथपिक से चारों साइड्स क्लीन निकल रहे हैं, दैट मीन्स केक इज कम्प्लीटली डन। अब हम इसको निकाल लेते हैं और थोड़ी देर बाद इसको हम अनटिन करेंगे। अभी फिलहाल तो मैं नहीं छेड़ूंगी, अदरवाइज साइड्स नहीं छूटेंगे। थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद ही आप साइड्स को सेपरेट करें। सो गाइस, आइए हम केक की आइसिंग तैयार करते हैं। आइसिंग के लिए मैंने लिया है बेकर्स व्हिप व्हिपिंग क्रीम। ये देखिए, ये आप कहीं से भी ले सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, तो मैं इसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने लिया है 1 कप व्हिपिंग पाउडर और साथ ही में मैं चिल्ड मिल्क ले रही हूँ, वो भी 1 कप। अब इसको हम ब्लेंडर के थ्रू या व्हिपर के थ्रू हम ब्लेंड करेंगे। सो गाइस देखिए, कितने अच्छे पीक्स तैयार हो गए हैं। तो हमें तब तक इसे ब्लेंड करना है, जैसे अब देखिए नीचे पाउडर सा है, तो मैं थोड़ा सा मिल्क और लूंगी और इसको फिर से मिक्स कर दूंगी ताकि बहुत अच्छे से ये ब्लेंड हो जाए और पीक्स तैयार हो और हम पाइपिंग बैग में इसको फिर फिल इन करेंगे। सो गाइस देखिए, ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट पीक्स तैयार हो रहे हैं, दैट मीन्स हमारा व्हिपिंग क्रीम इज डन। और कल मैंने आपको दिखाया था कि
क्रीम चीज मैंगो प्योरे के साथ मैंने जो तैयार किया है, ये देखिए, इसको भी मैं व्हिपिंग क्रीम में ऐड करूंगी। तो देखिए मैंने क्रीम चीज और व्हिपिंग क्रीम मिक्स कर दिया है, इसको भी मैं साथ में ब्लेंड कर दूंगी। गाइस देखिए कितने अच्छे सॉफ्ट पीक तैयार हो गए हैं। अब इसको हम इससे केक की आइसिंग करेंगे। सो गाइस देखिए हमने कल एक मैंगो प्यूरी अलग करके सेपरेट करके रखा था, अब इसको हम इवनली इस पे स्प्रेड करेंगे। केक को मैंने दो पोर्शन में डिवाइड कर लिया था, कुछ चंक्स भी होंगे मैंगो के तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको पर्पसली छोड़ सकते हैं, उससे केक में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ऊपर ये जो मैंने तैयार किया था फ्रॉस्टिंग, इसको मैं इवनली स्प्रेड करूंगी। सो गाइस ये इवनली स्प्रेड हो गया है, अब मैं ये जो है इसको मैं लॉक कर दूंगी। अब इसके ऊपर ये फ्रॉस्टिंग में लगाऊंगी। ब्यूटीफुल मैंगो आइसिंग केक तैयार है, एंजॉय कीजिए अपने फैमिली के साथ इस सीजन, जरूर बनाइए मैंगो केक। और आइसिंग बनाना आपने देखा बहुत ही इजी है, सो एंजॉय दिस रेसिपी एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू शाहिना किचन एंड लाइक माय रेसिपी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग शाहिना किचन, प्लीज वॉच दिस वीडियो फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड, हैव अ गुड डे। सो गाइस हमारा मैंगो केक बनकर तैयार हो गया है, आइए हम इसको कट करके देखते हैं कि कितना टेस्टी और यमी बना है। ये देखिए गाइस आज की हमारी चीफ गेस्ट हमारी छोटी सी नायरा है, देखिए कितना सब्र से इंतजार कर रही है नायरा। हाँ हाँ ये लीजिए केक। अरे वाह टेस्टी है, टेस्टी है, हाथ में लग गया, ओहो यम्मी है। सो अगर हमारे गेस्ट को पसंद आता है तो समझ लिए केक इंटरेस्टिंग है। सो आई थिंक हमारे गेस्ट को पसंद आ गया है, शी इज लाइकिंग द केक। सो गाइज आई वुड रेकमेंड कि आप स्टार्ट से एंड तक वीडियो को देखें एंड एंजॉय दिस रेसिपी एंड फॉलो मी इन माई किचन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू शाहिना किचन। यू हैव अ ग्रेट डे। सो गाइज केक बहुत अच्छे से बेक हुआ है, ये देख सकते हैं आप। अब मैं ठंडा आइसिंग की तैयारी करूंगी, अभी थोड़ा केक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाए सो मैं तब इस केक की आइसिंग करेंगी। सो देखिए केक कितना अच्छा स्पॉन्जी हुआ है, इसको ठंडा होने देते हैं फिर हम दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। सो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद जब ये केक ठंडा हो जाता है।